शामिल होने के लिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, बांग्लादेश से इस समय एक बड़ी जानकारी आ रही है, पीएम पद से शेख हसीना का इस्तीफा, शेख हसीना के ढाका छोड़ने की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश में इस समय जो बांग्लादेश की जनता हिंसक हो रखी है उसको लेकर एक बड़ी जानकारी बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना का इस्तीफा, शेख हसीना के ढाका छोड़ने की भी खबर आ रही है। बांग्लादेश से इस समय जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो भयावह हैं। अब इसी मामले पर एक बड़ा अपडेट आ गया है सामने, जहां शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना ने इस्तीफा दिया। तो बड़ी खबर इस समय की, बांग्लादेश से, बांग्लादेश की पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जिस तरह से माहौल इस समय बांग्लादेश में बना हुआ है उससे पूरी दुनिया में चर्चा इसी बात की हो रही है। अब इसी को ध्यान में देखते हुए बांग्लादेश में भारी हिंसा जो हुई है उस पर तख्ता पलट भी हो चुका है। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, इस पूरे मामले पर एक बड़ा अपडेट जिस पर आपसे बारीकी से जानना चाहेंगे, शेख हसीना ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। जो खबरें फिलहाल बांग्लादेश से आ रही है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, और यहां तक ये भी खबर आ रही है कि ढाका में जहां पे उनका आवास है वहां से वो रवाना हो चुकी हैं। उनके करीबी ने एक इंटरनेशनल एजेंसी को ये बताया है कि वो सुरक्षित जगह के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन अब ये क्लियर नहीं है कि वो ढाका छोड़ के कहां गई है। हालांकि बहुत सी रिपोर्ट्स अभी चल रही हैं, दो ऑप्शन बताए जा रहे हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वो कोलकाता जा रही है, लेकिन जो अभी क्लियर नहीं है। और कुछ लोग, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो फिनलैंड के लिए, एक दूसरे देश के लिए रवाना हो चुकी है। हालांकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक अहम बात यह भी है कि इसी बीच जो बांग्लादेशी आर्मी के प्रमुख हैं, जो मुखिया हैं, वो अब से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो यानी ये समझा जाए कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और करीब 100 से ज्यादा लोगों की इसमें जान जा चुकी है, जो पिछले कुछ महीनों से वहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, जो हिंसक हो चुके थे, यहां तक कि पूरे देश में कल तस्वीरें समय दिखा रहे हैं। तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं यहाँ शेख हसीना जो है इसी चॉपर में सवार है और देश से बाहर जा चुकी हैं। जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बांग्लादेश से आ रही हैं तस्वीरें। शेख हसीना ने जनता की भावना का ख्याल रखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ दिया है, ये कंफर्म हो चुका है। ये तस्वीरें बताती हैं कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है बतौर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए, और इसी चौपर में वो सवार थी जब उन्होंने देश को छोड़ा है। लेकिन ये अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो कहां गई हैं, कौन सा उनका नया ठिकाना है। शेख हसीना को राजधानी ढाका से बाहर जाते हुए आप इस चॉपर के माध्यम से देख सकते हैं। बांग्लादेश में जो बवाल कटा हुआ है, इसी बीच अपने आवाम का ध्यान रखते हुए उन्होंने ये उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए फैसला लिया और देश छोड़ दिया है। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने ऐलान ऐसे समय पर किया जब पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग लगातार हो रही थी। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिस पर जानकारी मिल रही है, जो बवाल इस समय बांग्लादेश में बचा हुआ है उसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, अरबों की संपत्ति को आग के हवाले किया गया है। सभी बड़े शहरों में लाखों की तादाद में लोग जो है शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, सड़कों पर उतरे हुए थे, और अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है और देश भी छोड़ दिया है।